एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन, 2x-3y = 8 और सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, 4x-6y = 9। देखो इधर हमसे क्या पूछ रहा है, बोलो हमसे क्या पूछ रहा है ये, कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। देखो मैंने आपको बताए थे है ना, याद करो कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होता था b1 अपॉन b2 के, ठीक है ना, तो कौन सी लाइन होती थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उसके कितने सॉल्यूशन थे, यूनिक सॉल्यूशन है ना, और सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट है, ठीक है, याद है आपको अच्छी तरीके से। तो देखो इधर सबसे पहले हम a1 अपॉन a2 निकालते हैं, क्या निकाल रहे हैं अपन, a1 अपॉन a2। देखो a1 कितना है आपका, 2 है, और a2 कितना है आपका, 4 है, करके कितना हो गया, 1/2 हो गया। ऐसे में मैंने निकाला b1 अपॉन b2, b1 कितना है, माइनस का 3, और b2 कितना है आपके पास, माइनस का 6। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 2 6। वैसे देखो हम क्या निकाल रहे हैं, c1 अपॉन c2 निकालते हैं, c1 कितना है आपका, 8 है ना, और c2 कितना है आपके पास, 9। देखो इससे क्या दिखा आपको, कि a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल है किसके, c1 अपॉन c2 के। क्या बोला आपने, a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल है किसके, c1 अपॉन c2 के। तो कौन सी लाइन हो गई है, पैरेलल लाइंस हो गई, कितनी, कौन सी लाइन हो गई है, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन से कितने सॉल्यूशन होते थे, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता था, ठीक है। अब सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। आप क्या बोलोगे, सो इट इज इनकंसिस्टेंट, कैसी है ये, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं, देखो क्या दे रखा है आपको, 3x-y = 2। सेकेंड पार्ट क्या है इसकी इक्वेशन, 6x-2y = 4। बात क्लियर है, चलो देखो सबसे पहले हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 निकालेंगे और c1 अपॉन c2 निकालेंगे। निकालो देखो a1 अपॉन a2, ठीक है, कितना हो गया, 3/6, करके कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब हम निकालते हैं b1 अपॉन b2, ठीक है, निकालो b1, यहां कुछ नहीं मतलब 1 था आपके पास, ठीक है, तो b1 के लिए कितनी है, -1, और b2 के लिए कितनी है आपके पास, -2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। ऐसे हम क्या निकाल रहे हैं, c1 अपॉन c2 निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा, 2/4, करके कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो हमने क्या देखा, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो ये तीनों क्या आ रहे हैं, आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, बोलो a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 = c1 अपॉन c2। तो कौन सी लाइन हो गई है, कोइंसिडेंट लाइन हो गई, कौन सी लाइन हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइन के कितने सॉल्यूशन होते थे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन होते थे इसके, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होते थे, है ना, सॉल्यूशन है इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, सो इट इज कंसिस्टेंट, ये क्या है आपकी, कंसिस्टेंट है, बात क्लियर है। अब इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं, देखो थर्ड पार्ट देख रहे हैं हम इसका, क्या दे रखा है देखो आपको, 2x-2y = 2, 4x-4y = 5। देखो इधर सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, वही a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं। देखो कितना आ जाएगा, 2/4, क्योंकि ये आपका a1 है और ये आपका a2 है, ठीक है ना, कट के कितना हो गया, 1/2 हो गया। फिर हम निकालते हैं b1 अपॉन b2, b1 कितना है आपका, माइनस का 2, और b2 कितना है, माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 2 4। फिर हम क्या निकाल रहे हैं, c1 अपॉन c2 निकाल रहे हैं, कितना आ गया आपके पास, 2/5 आ गया, ठीक है, बात क्लियर है। तो आपने क्या देखा, a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल है किसके, c1 अपॉन c2 के। क्या बोला आपने, a1 अपॉन a2 इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल है किसके, c1 अपॉन c2 के। तो कौन सी लाइन हो गई है, पैरेलल लाइंस हो गई, किसकी कंडीशन है ये, पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते थे, नो
सॉल्यूशन, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं था, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब ये कौन सी है, इनकंसिस्टेंट है। हम क्या बोलेंगे, सो है ना, इट इज इनकंसिस्टेंट। कौन सी आपके पास, ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। अब इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखो क्या देखा है आपका, 4 upon 3x + 2y = 8। ऐसी सेकेंड इक्वेशन क्या देखिए, 2x + 3y = 12। देखो इधर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सही तरीके से लिख लेते हैं। देखो इधर, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, नीचे यहाँ फ्रैक्शन में भी कुछ आ रहा है ना, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं पहले। तो देखो इधर, एलसीएम लिया कितना आ गया, 3। 3 का 3 में डिवाइड लगाया 1। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x। 1 का 3 में डिवाइड लगाया 3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6y = 8। इसके नीचे 1 लगाया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये क्या हो गया आपके पास, 4x + 6y = 24। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन जो है बिल्कुल सही दे रखी है आपको, फ्रैक्शन में नहीं है तो बिल्कुल एज इट इज रहने दो, ठीक है। बात क्लियर है। अब देखो इधर कंपेयर करें, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, a1 upon a2 निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, 4 upon 2, करके कितना हो गया, 2 upon 1 हो गया। अब क्या निकाल लेते हैं हम लोग, b1 upon b2 निकाल लेते हैं, 6 upon 3, ये भी करके कितना हो गया, 2 upon 1 हो गया, ठीक है ना। अब क्या निकाल लेते हैं हम लोग, c1 upon c2 निकाल लेते हैं, 24 upon 12, ये भी करके कितना हो जाएगा, 2 upon 1। तो देखो क्या दिखा आपको, a1 upon a2 है ना इक्वल आ रहा है किसके, b1 upon b2 के, है ना, इक्वल आ रहा है किसके, c1 upon c2 के, ठीक है। बात क्लियर है। तो देखो कौन सी कंडीशन हो गई है, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन हो गई। कौन सी लाइन हो गई, कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है ना। और कोइंसिडेंट लाइन्स के कितने सॉल्यूशन होते थे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होते थे, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये क्या है आपका, कंसिस्टेंट। तो क्या बोलोगे, सो इट इज कंसिस्टेंट, इसलिए क्या है इसका, कंसिस्टेंट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है ये, सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। हमें क्या करना है ना, इन इक्वेशन को क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है, एंड फाइंड द नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशन, और उनका नेचर भी बताना है, ठीक है ना। देखो इधर सबसे पहली इक्वेशन क्या देखिए आपको, ग्राफ बनाना है आपको, x + y = 3। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए क्या करो आप लोग, किसी एक वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, या x की वैल्यू निकाल लो या फिर y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, x की वैल्यू निकाल लो या फिर y की वैल्यू निकाल लो, जिसका कॉफिशियंट छोटा हो आप क्या करो, हमेशा उसकी वैल्यू निकाला करो, ठीक है। देखो यहां पर तो दोनों के कॉफिशियंट बराबर है, तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल लो, ठीक है, x की या फिर y की। देखो इधर मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो y को मुझे क्या करना पड़ेगा, उठा के इधर लेके आना पड़ेगा, तो x = कितना हो जाएगा, y - 3। बात क्लियर है। अब इसको 3 बार लिख लो आप लोग, x = y की जगह (-3), x = (-3), x = (-3), ठीक है ना। अब देखो वैल्यू रखते जाओ जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है ना। जैसे मैं 0 रख रहा हूं, तो देखो कितना आ गया आपके पास, 0 - 3, कितना आ गया पास, -3। 1 रख लेते हैं, देखो 1 - 3 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। 2 रख लेते हैं, 2 - 3 कितना जाएगा पास, -1। तो देखो आपने y के लिए क्या क्या रखी है, y की जगह आपने रखा है 0, y की जगह क्या रखा है आपने, 1 रखा है, y की जगह क्या रखा है आपने, 2 रखा है। बात क्लियर है, बात क्लियर है। इसका बॉक्स बना दो, देखो क्या बनाया जाता है, इसका बॉक्स बनाया जाता है, ठीक है। कम से कम आपको 3 वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है। वाई की जगह क्या क्या रखा है आपने, 0 रखा है, 1 रखा है और 2 रखा है। तो देखो जब आपने y की जगह 0 रखा तो x की कितने के पास, -3 आ गई, जब आपने 1 रखा तो कितनी आई, -2 आई है ना, और कितने के पास, -1 आई है। बात क्लियर है। अब ऐसे हम सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ बना लेते हैं, देखो इधर मतलब सॉल्व कर लेते हैं, 3x - 2y = 4।
मैंने क्या कहा था आपसे, या तो x की वैल्यू निकाल लो या फिर y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। देखो इधर, मैंने एक और चीज बताई थी कि जिसका कोफिशियंट छोटा हो, ठीक है ना, आप उसकी वैल्यू निकालो। तो देखो यहां पर किसका कोफिशियंट छोटा है, वाई का, तो हम वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं। इसको उठा के इधर ले जाओ, देखो कितना हो जाएगा, माइनस का 2y = 4 - 3x। देखो यहां पर क्या आ रहा है, y नेगेटिव आ रहा है, तो साइन चेंज कर दो सभी के, माइनस है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे y किलो निकालनी है, तो 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, तो y = कितना हो जाएगा, माइनस का 4 + 3x / 2। बात क्लियर है। अब इसको तीन बार लिख लो, कितनी बार लिख लो इसको, तीन बार, माइनस का 4 + 3 बॉक्स अपॉन 2, y = माइनस का 4 + 3 बॉक्स अपॉन 2, y = माइनस का 4 + 3 और ये बॉक्स अपॉन 2। बात क्लियर है। क्या करा आपने, y की वैल्यू निकाल ली और इसको कितनी बार लिख लिया आपने, तीन बार लिख लिया। अब यहां पर x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ, देखो इधर। बट आपको ऐसी वैल्यू रखनी है x की जिसको रखने पर वो 2 से पूरा पूरा डिविजन होना चाहिए। जैसे देखो इधर क्या रख लेते हैं हम लोग, 0 रख के देखो, अगर मैं 0 रखता हूं, माइनस का 4 प्लस ये 3 जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, तो देखो माइनस का 4 आ गया, माइनस 4 में 2 का डिवाइड जाता है, यस, तो हम क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो देखो कितना आ गया पास, माइनस का 4 / 2 करके कितना हो गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब देखो बेस्ट तरीका, देखो मेरी बात सुनना, है ना, जो आपने रखा है और इस नंबर दोनों को ऐड कर लो, 0 + 2 कितना हो गया, 2, तो आपको 2 रखना पड़ेगा। बात समझ में आएगी आपको, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लो, 0 + 2 कितना हो गया, 2 रख लो, देखो कितना हो गया, माइनस का 4, बस आपको एक ही वैल्यू ढूंढनी है, फिर है ना आगे वाली वैल्यू अपने आप आ जाएगी, बस इन दोनों को प्लस करते जाओ। देखो माइनस का 4 + 6 कितना हो गया के पास, प्लस का 2 बच गया, 2 में 2 का डिवाइड लगाया कितना आ गया, 1 आ गया। बात क्लियर है, इन दोनों को प्लस कर लो, 2 और 2 कितना हो गया, 4, तो हम क्या रख देते हैं, 4 रख देते हैं, ठीक है। बस आपको एक ही वैल्यू ढूंढनी है ना, आगे वाली वैल्यू अपने आप आ जाएगी। बोलो कितना हो जाएगा, ये 4 × 3 = 12, है ना, और माइनस का 4 कितना बच गया के पास, 8 में 2 का डिवाइड लगाया कितना आ गया, 4 आ गया। इसका ही बॉक्स बनाओ, ये आपका x और ये y। देखो आपने x की जगह क्या क्या रखा है, यहां पर हमने x की जगह रखा है, x की जगह रखा है 0, ठीक है ना, x की जगह रखा है आपने 2 रखा है, x की जगह रखा है आपने 4 रखा है। बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर हो रही है। देखो इधर x की जगह आपने 0 रखा है, 2 रखा है और 4 रखा है। देखो इधर, जब हमने x की जगह 0 रखा था तो y के लिए कितनी आई, -2 आ गई। जब हमने x की जगह 2 रखा तो y के लिए कितनी आई के पास, 1 आ गई। जब आपने x की जगह 4 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई के पास, 4 आ गई, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, इनका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, इनका ग्राफ बनाना है, ठीक है। देखो इधर मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूं, आपको पेंसिल की हेल्प लेनी है ना, मैं आपको बस अभी इसलिए दिखा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि आपको क्लियर दिखाई दे, इसलिए मैं पेन से बना रहा हूं, ठीक है। बात क्लियर हो गई, चले तो देखो इधर, x और y की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। देखो इधर, ये आपका x एक्सिस है ना, इधर क्या बोलेंगे हम, x डैश, ऊपर y का पॉजिटिव, इसलिए y एक्सिस, और ये क्या हो गया आपका y डैश, इधर क्या होता है आपका 0, इधर हमेशा x का पॉजिटिव, इधर x का नेगेटिव, इधर y का पॉजिटिव, इधर y का नेगेटिव। बोलो क्या लिखेंगे, +1 + 2 + 3 + 4। यहां पर ले लो -1 - 2 - 3 - 4, यहां पर ले लेते हैं 1, 2, 3 और ये आपका 4। इधर y का नेगेटिव -1 - 2 - 3 - 4। बात क्लियर हो रही है, चलो देखो पहले इस लाइन का ग्राफ बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, x के -3 पे जाओ और y का 0, 0 कुछ भी नहीं है, बस x की वैल्यू कितनी है, -3 है, x की वैल्यू कितनी है, -3 ये रही, सॉरी x की वैल्यू -3 है, तो x की वैल्यू -3 ये वाला पॉइंट हो गया आपका। बात क्लियर है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, x के -2 पे जाओ है ना और y के 1 पे चल जाओ,
एक्स का माइनस टू ये रहा, ठीक है ना। देखो इधर एक्स का माइनस टू कहां पर है, ये रहा, और वाई के किस पे जाना है, वन पर, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका, बात क्लियर है। ये क्या बोल रहा है, एक्स के माइनस वन पे जाओ, है ना, वहां पर जाकर गाड़ी चलानी है आपको। वाई के किस पे आना है, टू पे जाना है, एक्स के माइनस वन पे जाना है और वाई के टू पर जाना है, बात क्लियर है। चले फिर आगे देखो इधर, ज्वाइन कर दो इन पॉइंटों को, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, ठीक है ना। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है आपकी, है ना, तो आप समझ जाओ कि आपने क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है, ठीक है ना, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है तो, ठीक है, बात क्लियर है। चले आगे देखो इधर, यहां पर जीरो का मतलब कुछ नहीं है, वाई की वैल्यू कितनी डायरेक्ट माइनस टू है, वाई की वैल्यू माइनस टू, देखो इधर वाई की वैल्यू माइनस टू कहां पर है, ये रही वाई की वैल्यू माइनस टू, ये रही, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, एक्स के टू पे जाओ और वाई के वन पर, एक्स का टू और वाई का वन, बात क्लियर है। ऐसे देखो क्या बोल रहा है, एक्स के फोर पे जाओ और वाई के भी फोर पर, एक्स का फोर, है ना, एक्स का फोर और वाई का भी फोर, बात क्लियर है। अब इन पॉइंटों को ज्वाइन कर दो, देखो सुनो मेरी बात। अब पहली बात मेरे से उसने पूछी है कि पहले आपने ग्राफ बना लिया, बन गया आपका ग्राफ। देखो ग्राफ बनाने के बाद हमसे उसने पूछा था टू फाइंड द नेचर ऑफ डेट सॉल्यूशन, क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड नेचर ऑफ डेट सॉल्यूशन, है ना, इसके जो भी सॉल्यूशन होगा ना उसका नेचर किस तरह का होगा। तो देखो इधर अगर हम इन लाइनों को देखें, देखो इधर ये लाइन कुछ इस तरह से जा रही है, कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है ना। तो देखो ये अगर आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्टिंग करेगी, करेगी करेगी नहीं करेगी, ठीक है ना। हाँ अगर ये लाइन बिल्कुल ऐसे होती, बिल्कुल जैसे मान लो बिल्कुल इस कंडीशन में होती तो कभी लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती थी, बट ये जो लाइन है ये थोड़ी सी क्या हो गई, ये टेढ़ी हो गई है, ठीक है ना, बात क्लियर है। तो देखो इधर ये क्या करेंगी, कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट जरूर करेंगी, तो ये कैसी लाइन होगी आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, कैसी लाइन बनेगी ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इनका नेचर कैसा होगा आपके पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी ये, कैसी लाइन होगी तो आप क्या बोलोगे, कैसी लाइन बनेगी ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी।